नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका ऑरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में देखना है एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन वर्सेस वेरिएबल इंस्पेक्शन। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है, बाद में पैरामीटर है, बाद में एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन और वेरिएबल इंस्पेक्शन है। और पैरामीटर मतलब क्या, कुछ जो आपका जो डिफरेंस रहेगा दोनों में, उसमें से सम कॉमन पॉइंट्स मैंने उठाए। आपको क्या करना है, खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू खाली ये याद रखना है और इसके हिसाब से ये आपको लिखना है। कैसे लिखना है देखो, पहले बात मैंने एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन मतलब क्या, एक ये समझ लो कि एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन ऐसा एक इंस्पेक्शन होता है कि जिसमें आपको वैल्यू नहीं मिलती है। जैसा कि अगर एक शाफ्ट है उसका आप डायमीटर मेजर कर रहे हो वर्नियर से, तो कुछ वैल्यू मिलेगा आपको 25.5 वगैरह ऐसा। अगर सेम वो शाफ्ट अगर आप गेज से यूज़ कर रहे हो, स्नैप गेज से यूज़ कर रहे हो, उसको चेक कर रहे हो, तो आपको वैल्यू नहीं पता चलेगा। आपको क्या पता चलेगा, वो दो ही चीज़ पता चलेगी, आइदर वो जो शाफ्ट है वो ओके है या नॉट ओके है। दो एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन में क्या आते हैं, गेजेस आते हैं आपके, प्लग गेज, स्नैप गेज, थ्रेड प्लग गेज, ये जो है ये गेजेस आते हैं। और वेरिएबल इंस्पेक्शन में क्या आते हैं, आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे वर्नियर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, ये सब इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ये बात याद रख लो कि एट्रीब्यूट गेजेस है और वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन लिखा है। कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन स्वाभाविक है कि अगर आप गेजेस यूज़ कर रहे हो तो आपका जो कॉस्ट है वो लो ही रहेगा, और आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन क्या रहेगा, आपका हाई रहेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, गेजेस का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट क्या रहता है, हाई है। उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट का जो पॉइंट है वो कैसे है, अगर आप शाफ्ट, एक शाफ्ट है उसको आप क्या कर रहे हो, आप स्नैप गेज से उसको चेक कर रहे हो, तो क्या होता है, आपने स्नैप गेज, गो साइड स्नैप गेज लिया, उसके अंदर इंसर्ट किया, वो चला गया अंदर, नोगो उठाया उसके ऊपर रखा, नोगो नहीं गया, तो आपको क्या आइडेंटिफाई होता है कि शाफ्ट ओके है, मतलब स्पीड ऑफ मेजरमेंट हाई है इसका। और इसका लो क्यों है, आपको क्या करना पड़ता है, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, ये सब करना पड़ता है, तो आपका ये स्पीड ऑफ मेजरमेंट क्या है, इसका लो है। उसके बाद स्किल, स्किल में क्या है, जैसे गेजेस अनस्किल्ड वर्कर हैंडल कर सकता है, एक आपके लाइन पे कोई ऑपरेटर आया है नया नया आईटीआई वाला, तो उसको आपको क्या करना है, बताना है कि भाई ये जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। अगर ये जाता है और ये भी, मतलब आप अगर उसको कंडीशंस बताते हो कि ओके जॉब के क्या कंडीशंस है, तो वो इजीली हैंडल कर सकता है, मतलब यहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर हैंडल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगता है, अगर आपको मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग सब बताना है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है, स्किल्ड वर्कर ही लगता है। उसके बाद स्पीड ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे स्पीड ऑफ मेजरमेंट आपका हाई है, यहाँ पे लो है। इसलिए क्या होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे मास प्रोडक्शन यूज़ होता है, मास प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे गेजेस यूज़ होते हैं, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं होते हैं। उसके बाद चार्ट्स, अभी चार्ट्स जैसे तीन टाइप के चार्ट्स है, एक्स बार आर चार्ट, पी चार्ट और सी चार्ट। तो पी चार्ट जो है, मतलब एक्स बार आर चार्ट जो है, यहाँ पे यूज़ होता है वेरिएबल इंस्पेक्शन में, एक्स बार एंड आर चार्ट, मतलब आपको अगर एक्स बार आर चार्ट मतलब क्या कि वैल्यूज़ रहते हैं, मतलब 27.9 वगैरह उसमें, ये ऐसे एक्स बार आर वेरिएबल इंस्पेक्शन में एक्स बार आर चार्ट है, और यहाँ पे कौन सा चार्ट है, पी और सी चार्ट है। एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे क्या है, गेजेस है, मतलब प्लग गो एंड नो गो गेज, यहाँ पे क्या है आपका वर्नियर, माइक्रोमीटर वगैरह आपके, ये सब इसमें आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है कि आपका एक्सेप्टेड पार्ट है या रिजेक्टेड है, और यहाँ पे क्या आपका वेरिएबल इंस्पेक्शन, आपके जॉब की रीडिंग आएगी। ऐसा था वेरिएबल एट्रीब्यूट और वेरिएबल इंस्पेक्शन का आपका डिफरेंस। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।